सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मार्क ईआरपी ट्यूटोरियल जिसमें आज हम रिप्लेसमेंट इशू ऑप्शन के बारे में जानेंगे, मगर इससे पहले जानते हैं कि रिप्लेसमेंट इशू की एंट्री क्यों क्रिएट की जाती है। रिप्लेसमेंट का यूज हम गुड्स को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए और किसी कारण वो गुड्स या आइटम्स डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में आप उन रिप्लेस हुई आइटम्स या गुड्स के अगेंस्ट रिप्लेसमेंट नोट इशू करते हैं, मींस रिप्लेसमेंट इशू एंट्री क्रिएट करते हैं अकाउंट सेटलमेंट के लिए। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। सपोज ये आइटम्स हैं जो आपने अपने कस्टमर या पार्टी को सेल की थी, जिसमें से कुछ आइटम्स रिप्लेस करनी है, तो अब सबसे पहले रिप्लेस हो रही आइटम्स का क्रेडिट नोट जनरेट करते हैं, देन उसका रिप्लेसमेंट इशू क्रिएट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेन्यू से ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव से रिसीव पर क्लिक करेंगे एंड ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव एंट्री विंडो पर एंटर की प्रेस करेंगे और लेजर्स विंडो से उस पार्टी या कस्टमर लेजर पर एंटर करेंगे जिसके लिए एंट्री क्रिएट करनी है। देन ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव एंट्री की ये विंडो ओपन होगी, पार्टी नंबर फीड करेंगे एंड बिल डिटेल्स विंडो आने तक एंटर करते जाएंगे। देन बिल डिटेल्स की ये विंडो ओपन होगी जिसमें फर्स्ट फील्ड है टू बी इश्यू रिप्लेसमेंट, ड्रॉप डाउन से यस करेंगे। देन है रेट, मींस किस रेट में आप आइटम्स रिटर्न लेना चाहते हैं, लाइक रेट ए बी सी डी, एमआरपी, कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा एंड सो ऑन, वो आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। देन है आइटम डिस्काउंट परसेंटेज, अगर आप रिप्लेस हो रही आइटम पर डिस्काउंट देना चाहते होंगे तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो परसेंटेज यहाँ मेंशन करेंगे। देन है बैच सिलेक्शन, मैनुअल या सोल्ड, मींस जो आइटम का क्रेडिट नोट जनरेट कर रहे हैं उसमें बैच का सिलेक्शन मैनुअली करेंगे या सोल्ड आइटम के बेस पर। देन है रिटर्न ऑफ बिल्स, मींस रिटर्न हो रहा बिल सिंगल है या मल्टीपल, तो अगर आप इस फील्ड को सिंगल करेंगे तो नेक्स्ट फील्ड में सॉफ्टवेयर आपसे पार्टी का बिल नंबर पूछेगा, वो बिल नंबर आप यहाँ फीड कर देंगे एंड एंटर करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ नीचे की साइड सॉफ्टवेयर आपको लास्ट बिल नंबर, डेट एंड अमाउंट शो कर रहा है, तो अगर यही बिल नंबर की आइटम रिप्लेस हो रही होगी तो आप सिंपली यही बिल नंबर यहाँ फीड करके एंटर करेंगे। एंटर करते ही सॉफ्टवेयर बिल नंबर के बेस पर डेट ऑटो पिक कर लेगा, इसी तरह से एंटर करते ही अमाउंट ऑटो पिक कर लेगा। अब रीजन फील्ड में एज पर द रिक्वायरमेंट रीजन मेंशन करके एंटर करेंगे, तो कर्सर कैलकुलेशन टाइप फील्ड में स्विच करेगा जिसमें ड्रॉप डाउन से आप कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे तो बिल में जो भी आइटम्स होंगी वो लोड हो जाएंगी। अब यहां से उस आइटम पर स्पेस बार की प्रेस करके एंटर की प्रेस करेंगे जो रिप्लेस हो रही है, मींस जिसका क्रेडिट नोट एडजस्ट कर रहे हैं, देन एंड की या टैब की प्रेस करते हुए एंट्री को सेव कर लेंगे। तो सेव चेंजेस की इस विंडो के साथ इस तरह से एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो शो हो जाएंगी। अब सेव चेंजेस को यस करते हैं, देन बिल एडजस्टमेंट विंडो में न्यू रेफरेंस के अंडर ब्रेकेज एक्सपायरी नोट को सेव कर लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करते हुए सॉफ्टवेयर की होम पेज पर मूव कर जाएंगे, तो इस तरह से आप रिटर्न आइटम का क्रेडिट नोट मेंटेन कर लेंगे। अब उसके अगेंस्ट में जो आइटम्स कस्टमर या पार्टी को लेनी है उसके लिए रिप्लेसमेंट इशू की एंट्री क्रिएट करते हैं, जिसके लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू से रिप्लेसमेंट इशू ऑप्शन पर आएंगे एंड यहां से इशू पर क्लिक करेंगे। एंड इन केस अगर ये ऑप्शन आपको यहां शो नहीं होता तो आपको इसे कंट्रोल रूम से अनेबल करना होगा, जिसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन सर्च इन ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिप्लेसमेंट सर्च करके एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे। देन इस रिप्लेसमेंट फील्ड को ड्रॉप डाउन से वाई सेट करेंगे, मींस यस सेट करेंगे एंड एस्केप की प्रेस करेंगे, अगेन एस्केप की प्रेस करेंगे, देन सेव चेंजेस को यस करके सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर मूव कर जाएंगे। तो अब ट्रांजैक्शन मेन्यू के रिप्लेसमेंट इशू से इशू पर एंटर करेंगे, देन रिप्लेसमेंट इशू एंट्री की ये विंडो ओपन होगी, एंटर करेंगे एंड लेजर्स विंडो से वो पार्टी या कस्टमर लेजर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे जिसके लिए रिप्लेसमेंट इशू एंट्री क्रिएट कर रहे हैं।
तो आप यहां देखेंगे सॉफ्टवेयर यहां एडजस्टमेंट अमाउंट शो कर रहा है। अगर आप फुल अमाउंट एडजस्ट करना चाहते होंगे तो आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे, और अगर एडजस्ट अमाउंट में से कुछ अमाउंट एडजस्ट करना चाहते होंगे तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आप यहां मेंशन करेंगे एंड एंटर की प्रेस करते जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहां जो अमाउंट हमें एडजस्ट करना है वो एडजस्ट अप टू एंड बैलेंस में शो हो रहा है। जैसे ही हम एडजस्ट अप टू अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे बैलेंस अमाउंट जीरो हो जाएगा। नाउ आइटम्स विंडो से एज पर द रिक्वायरमेंट एडजस्ट अमाउंट तक की आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं एडजस्ट अप टू में जो अमाउंट हमने सेट किया था वो शो हो रहा है एंड बैलेंस जीरो हो गया है। अब टैब की प्रेस करते हुए एंट्री को सेव कर लेंगे। देन बिल एडजस्टमेंट विंडो ओपन होगी, इसमें ड्रॉप डाउन से एडजस्टमेंट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो रिप्लेसमेंट क्रिएट हुआ था उसके साथ ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेम पार्टी या कस्टमर के रिप्लेसमेंट इशू क्रिएट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको जो लेफ्ट एडजस्ट अमाउंट होगा वो इस तरह से शो कर देगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में रिप्लेसमेंट इशू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।